स्वागत है आपका न्यूज बायस्कोप में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। झरिया लोधना क्षेत्र संख्या 10 में चल रहे आउटसोर्सिंग परियोजना से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। जिले की खराब हवा की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे प्रदूषण से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षक आशुतोष आनंद अपनी टीम के साथ लोधना क्षेत्र संख्या 10 में एटीदेव प्रभा एवं सुश्री कंपनी द्वारा फैल रहे प्रदूषण को देखा और अपने कैमरे में कैद किया। छलछलिया धौड़ा से संचालित प्राथमिक मध्य विद्यालय हेटली बांध प्रधान शिक्षिका प्रेमलता ने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। प्रेमलता ने कहा कि विद्यालय के 100 मीटर की दूरी पर ओबी डंप किया जा रहा है। ओबी से उड़ रहे धूलकण से स्कूल परिसर पूरा डस्ट से भरा है। छात्र छात्राओं के लिए बनाए जा रहे खाना में भी धूलकण गिर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। आए दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस संबंध में पूर्व पार्षद अनुप साव ने बताया कि झरिया में फैले प्रदूषण को लेकर हस्ताक्षर समेत कई अभियान चलाया गया है। आज उसी आलोक में जांच टीम ने आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हो रहे आम नियमितताओं को देखने पहुंचे हैं। देखने के दौरान कई अनियमितता मिली है। हुआ था इस क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित, इसके आलोक में हम लोग आज जांच के लिए आए हैं। जो वस्तु स्थिति है अभी, जो भी डंपिंग के समय प्रदूषण हो रहा है, डंपिंग के समय जो इनको व्यवस्था रखना है प्रदूषण नियंत्रण, तो व्यवस्थाएं अभी नहीं दिख रही है। इसके लिए इनको जो भी है डायरेक्शन दिया जाएगा। जो हम वस्तु स्थिति है इसे अपने अफसरों को अवगत कराएंगे, जो होगा उस पर आगे की कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाएगी। सर, पूरा पेड़ को झाँप दिया गया है। पेड़ को झाँपने से संबंधित भी आगे हम बढ़ाएंगे जो भी स्थिति है। अब पेड़ तो वन विभाग से संबंधित है, तो उस पर संबंधित वन विभाग अपना संज्ञान लेके कार्रवाई करेगा। प्रदूषण की रोकथाम हो गया? प्रदूषण की रोकथाम के लिए इनको पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी अगर इन पर अनुपालन नहीं हुआ है तो इनको फिर से एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। यहाँ पे जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी है, इसके लिए जो भी इनका ओबी है कुछ ज़्यादा जला हुआ रहता है, काफ़ी बारीक रहता है। डंपिंग के समय बहुत ज़्यादा उससे फ्यूजिटिव डस्ट निकलता है जो वातावरण में उड़ता है, तो इसके लिए इनको वाटर कर्टेन और पानी की व्यवस्था करनी है। तो पानी की व्यवस्था गर्मी में थोड़ी समस्या भी होती है, लेकिन पानी की व्यवस्था करके ही इनको माइनिंग कार्य करना है। पानी नहीं है या कुछ भी है उसकी वजह से माइनिंग कार्य इस तरह से जो स्थिति है अभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस पे जो भी है आगे हम आगे। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बायस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बायस्कोप ऐप।